फ्रेंड्स, अगर आप भी SBI के डेबिट या ATM कार्ड की ट्रांजेक्शन की लिमिट को सेट या रिसेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आपको योनो SBI में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपको ये होम पेज दिखेगा। अब फ्रेंड्स, ये कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूं। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां से आप चूज कर सकते हो, आप अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट सेट या चेंज करना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड की लिमिट को चेंज करना चाहते हो। तो मैं फिलहाल डेबिट कार्ड वाला दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो माय डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन बटन पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद फ्रेंड्स एक माय डेबिट कार्ड का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपके डेबिट कार्ड की डिटेल दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है ना, मैनेज यूसेज एंड लिमिट्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो उनको मैंने बता रखा है कि अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की ट्रांजेक्शन को कैसे इनेबल करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, ATM ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। इन सब पॉइंट्स के बारे में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना ATM की ट्रांजेक्शन आप शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन लिमिट पर डे 40,000 रुपए लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। और न्यू लिमिट भी मैंने 40,000 रुपए लिखा है, मतलब मैं अपने ATM से 40,000 रुपए निकाल सकता हूँ एक दिन में। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो मैंने सिंपली इसको इस पे क्लिक करा और इसको साइड पे स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी न्यू लिमिट हो गई 10,000, मतलब अब मैं ATM कार्ड से ना एक दिन में 10,000 रुपए निकाल सकता हूँ। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ गई है, बढ़ के 18,000 हो गई है, मतलब एक दिन में अब मैं 18,000 रुपए निकाल सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस ट्रांजेक्शन को सेट कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, यानी जब भी हम कोई नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोज पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ एंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। और दूसरा है POC ट्रांजेक्शन, मतलब POC ट्रांजेक्शन वो होती है कि जब भी आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को किसी कार्ड मशीन में स्वाइप करते हो ना, पेट्रोल पंप पे या किसी शोरूम वगैरह में ना स्वाइप मशीन होती है, उसको क्या हो जाता है POC ट्रांजेक्शन। जो मेरी ट्रांजेक्शन लिमिट सेट हो रखी है 75,000 रुपए सेट हो रखी है POC मशीन की, ठीक है। मतलब इसकी मेरी लिमिट है 75,000 रुपए, ठीक है, और मेरी सेट हो रखी है 48,000 रुपए, मतलब मैं अपने POC मशीन से 48,000 रुपए निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसको ऐसे चेंज करा, ठीक है, तो मेरी न्यू लिमिट हो गई 75,000 रुपये, इसको चेंज करा, दोबारा से इसको कम कर सकते हैं, और अब मेरी न्यू लिमिट हो गई 31,000 रुपये, मतलब अब मैं POC मशीन से एक दिन में 31,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। एक दिन में POC मशीन से कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह शॉपिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी PNB में या ICICI बैंक में या इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, तो मैंने उनके ऐप के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके SBI के ATM कार्ड की ट्रांजेक्शन की लिमिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या POC मशीन की ट्रांजेक्शन को सेट या रिसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।